राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में शनिदेव का बड़ा प्राचीन मंदिर है। सन 1920 में इस मंदिर की स्थापना यहां के तत्कालीन राजा दुर्जन साल सिंह ने की थी। पुजारी ने बताया कि यहां जो शनिदेव की प्रतिमा है वो 300 वर्ष पुरानी है। यहां के उस समय के राजा को स्वप्न आया तो उन्होंने नदी में से मूर्ति निकलवाई और नदी किनारे इस मूर्ति को छोटा मंदिर बनाकर स्थापित की। हर वर्ष बारिश में नदी में बाढ़ आने पर मंदिर पानी में डूब जाता था। इसके चलते 1920 में ऊंचाई पर मंदिर बनाकर मूर्ति यहां स्थापित की गई। शनि देव के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश सहित राजस्थान से श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माने जाने वाले शनि देव की मूर्ति स्वयंभू रूप में यहाँ स्थापित है। न्याय के देवता शनि देव के मंदिर पर मांगी गई भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। खिलचीपुर के शनि देव मंदिर पर सोमवती अमावस्या और शनि जयंती के अवसर पर सोमवार को दर्शन करने के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर शनि देव महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया, वहीं मंदिर परिसर को रोशनी से सजाया गया। जिले के खिलचीपुर को प्राचीन समय में खेजड़पुर के नाम से जाना जाता था। इसे धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। खिलचीपुर में कदम कदम पर प्राचीन मंदिर है। आज शनि मंदिर पर शनि जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है और जो मंदिर जो है खिलचीपुर में स्थित शनि महाराज का मंदिर जो है प्राचीन समय का मंदिर है। राजा रियासतकालीन मंदिर है शनि महाराज को, जो कि स्वयंभू मूर्ति के रूप में शनि महाराज प्रकट हुए थे और राजा को स्वप्न दिया था और उनके द्वारा शनि महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे राजगढ़ जिले से, पूरे राजस्थान से और आसपास के पूरे क्षेत्र से, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में केवल 3 शनि मंदिर है जिनमें एक मंदिर शनि महाराज का भी है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश आसपास के जिलों और झालावाड़ जिले राजस्थान जिलों के लिए भी शनि मंदिर जो है आस्था का केंद्र है, सब दूर से दर्शनार्थी। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।